माह मुकद्दस रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में गुलामाने मुस्तफ़ा रमजान के रोजे रखने के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं। रमजान के इस मुकद्दस महीने को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है, बाजार गुले गुलजार हैं, तो वहीं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा रहम और बरकतों वाले इस मुकद्दस महीने को लेकर मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। कहा जा रहा है कि रमजान का मतलब शरीर को भूखा रखना नहीं है, हमें अपने रब को राजी करना है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है और अपने रब की इबादत करनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा रब नाराज हो। सिटी चैनल से बात करते हुए पागबड़ा के वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी द्वारा सबसे पहले रमजान की मुबारकबाद पेश की गई और फिर उनके द्वारा ताकीद करते हुए कहा गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रमजान खाली रोजा ही मतलब भूखा रहने से कोई फायदा नहीं है। रमजान में हर चीज को फॉलो करें आदमी, जैसे कि बेईमानी ना करें, झूठ ना बोले, ईमानदारी से रखे जाए, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, तमाम जो उसके काम हैं उन्हें पूरा करें, तब रोज़ा है। ये नहीं कि साहब रोज़ा रख लिया और फाके से बेईमानी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, दुनिया भर धंधे कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, फिर भूखा रहें। रमज़ान एक ऐसी रमज़ान क्या, हर कौम को रमज़ान दिए हैं अल्लाह ताला। हिंदू इस वक्त हमारे भाई जो है वो व्रत रख रहे हैं, वो उसको अपनी भाषा में व्रत कहते हैं, हम अपनी भाषा में रमज़ान कह रहे हैं, अंग्रेज उसे फास्ट कहता है। तो हर एक ईश्वर तो एक ही है और ईश्वर ने सभी को एक सही मतलब ये वो दिया, दर्श दिया कि भाई मेरी पूजा करो और मुझे से मदद मांगो और मैं जो कह रहा हूँ रोज़ा रखो, रोज़ा रखो, फास्ट रखो, एक ही बात है। आदमी को अपना सब धर्म फास्ट रख के रोज़ा रख के एक बहुत अच्छी तस्वीर अपनी पेश करें और जब तुम अमन से होगे तो दुनिया अमन से होगी, जब तुम मतलब ही अपनी जगह से हट जाओगे तो दुनिया में आफत ही आफत होगी, तुम भी अपने आफत में रहोगे। इसलिए मेरा सबसे कहना यह है कि हर आदमी को आज रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आमाल बेहतर करने चाहिए और ये कमाई कर लेनी चाहिए कि एक के 70 दे रहा है अल्लाह ताला, उन्हें कमा लें और साथ खैरियत के अपने ईद करें बेहतर रहेगा। मैं सभी लोगों को रमज़ान की भी मुबारकबाद देता हूँ, रमज़ान के बाद में फिर आने वाली ईद की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देना पेश करना चाहता हूँ। सभी लोग साथ खैरियत की ईद मनाएं, रमज़ान रखें, हमारे ज़ात से किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रमज़ान का मतलब ये